इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है। खानदान से जुदा करो, दुश्मनी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो और जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए हमें हैंडओवर करो। तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानते हो? आई थिंक शिवा इज ए बिग गॉड। जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन माइंड की तरह रोता हो वो गॉड कैसे हो सकता है? हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है। क्या आपको अपना शौहर कबूल है? एक सनसनी खेज घटना ने केरला की रूह तक को हिला दिया है। इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री अब सिर्फ एंटरटेनमेंट और एक्शन मूवीज के पीछे ही दौड़ती है। रियल लाइफ स्टोरी तो कोई कवर नहीं करना चाहता सर जी। द कश्मीर फाइल जैसा सच दिखाने की बहुत कम डायरेक्टर्स में हिम्मत बची है, लेकिन फिर से एक डायरेक्टर ने ऑडियंस को सच्चाई दिखाने की हिम्मत कर ली है। हम बात कर रहे हैं द केरला स्टोरी की, जो 5 मई को रिलीज होने वाली है और जो की एक सच्ची घटना पर बेस्ड है। दरअसल फिल्म का ट्रेलर 4 औरतों की जिंदगी पर बेस है कि कैसे 4 लड़कियां पढ़ते पढ़ते एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाती हैं। ट्रेलर में बड़ी आसानी से दिखाया गया है कि कैसे किसी लड़की के बिलीफ और धर्म को चैलेंज करके उसका धर्म चेंज कराया जाता है। इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे केरला में 32,000 महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराया गया है, साथ ही कैसे फिजिकल रिलेशनशिप में उलझा कर और अगर कोई ना माने तो उसे जहर देकर जबरदस्ती उन्हें आइसिस ज्वाइन कराया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को बढ़ावा देने वाली फिल्म है, इसे बैन कर देना चाहिए। लेकिन क्यों? कुछ लोगों का तो कश्मीर फाइल्स को लेकर भी यही कहना था, लेकिन उसकी सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता। इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर तो सबके मुंह खुले रह चुके हैं कि इतनी सच्चाई कैसे दिखा दी गई है। एक टच में पता चला है कि केरला में हजारों क्रिश्चियन और हिंदू महिलाओं का इस्लामिक धर्म परिवर्तन कराया गया है और इस फिल्म के डायरेक्टर का भी दावा है कि उन्होंने इसके लिए 7 साल की रिसर्च की है। साथ ही 2020 की एक रिसर्च के बाद ये भी पता चला है कि NIA उन सारे केसेस पर रिसर्च कर रही है आइसिस के ऑपरेशन सेंटर बनाए गए हैं और पुरुषों और महिलाओं को उनका धर्म कन्वर्ट करवाकर उन्हें अफगानिस्तान और सीरिया भेजा गया है फाइटर्स बनने के लिए। मुद्दे की बात यह है कि लोगों के रोंगटे खड़े हो चुके हैं ट्रेलर देखकर। जब ऑडियंस पूरी फिल्म देखेगी तो उनका क्या रिएक्शन होगा, उन्हें ये सच्चाई देखकर कैसा लगेगा, क्योंकि फिलहाल ये मुद्दा बहुत ही गर्म है और 1 करोड़ का प्राइस भी अनाउंस हो चुका है ये साबित करने के लिए कि ये सच्ची घटना है। ये फिल्म लोगों के निशाने पर इसलिए भी है क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम के इशू को खड़ा करा गया है। लेकिन अगर 32,000 नहीं सिर्फ 32 हिंदुओं का भी परिवर्तन कराया गया है तो क्या ये मुद्दे की बात नहीं है? ऐसे मुद्दे को उठाना क्या गलत है? आप किस पर क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें हीलियम ऑफिशियल।